मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग। चलिए यार, अपना दिन स्टार्ट करते हैं। आज मेरा शो है दिल्ली में ही और मेरे को अब निकलना है बहुत जल्दी। यार लेट हो गया, लेट उठ गया यार, रात को सोते सोते लेट हो जाता है, सुबह उठा नहीं जाता। बट अब उठना तो पड़ेगा, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। चलो दिन स्टार्ट करते हैं। यार मम्मी ने बोला था छाछ मंगाने के लिए, मैंने नींद नींद में छाछ मंगाए। मैंने 8 ऑर्डर करे थे, मेरे को याद है, लेकिन पता नहीं कैसे यार, शायद गलत ऑर्डर हो गया होगा मेरे से। छाछ देखो कितने सारे आ गए। अब कोई नहीं, आज पूरे दिन छाछ ही पीते रहेंगे। चलो यार फटाफट से ना खाना खा लेते हैं थोड़ा सा। मैं आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार, रात को, मतलब रात को क्या, मैं सुबह ही सोया, कुछ काम कर रहा था तो सुबह ही हो गई थी ऑलमोस्ट। और यूजुअली हमारा साउंड चेक रहता है जैसे 4 बजे 5 बजे शाम के टाइम पे, बट मैं जैसे ही उठा, मैंने मैसेज चेक करा तो हमारे बैंड ग्रुप में मैसेज आया हुआ था कि आज साउंड चेक 2 बजे है, और मैं उठा ही 11:30 बजे। ट्रिमिंग भी नहीं करा पाया, सोचा दोपहर को जाके आराम से करा के निकलूँगा, लेकिन वैसे निकलना पड़ेगा। तो बस फटाफट से खाते हैं फिर वहीं मिलते हैं। चलो पहले मैं जा रहा हूँ अपने कीबोर्डिस्ट के पास, शुभजीत भाई के पास, जिनसे मैंने आपको मिलवाया था पिछले ब्लॉग में। तो वहाँ से हम, लाइक मैं और जो प्रकर्शन में जो गगन भाई है, वो मैं और शुभजीत भाई, हम तीनों साथ में चलेंगे, ऐसा हमने प्लान किया है। तो पहले मेरे को वहाँ जाना है, और उससे भी पहले मेरे को अक्षय के यहाँ जाना है क्योंकि मेरा अकूस्टिक गिटार उसी के पास पड़ा है। तो पहले उससे अकूस्टिक गिटार लेते हैं, तो उनके उसके बाद फिर शुभजीत भाई के पास चलते हैं, ठीक है। फिर उसका सीधा वेन्यू पे मिलते हैं। मेरे हमारे मैनेजर तो अभी तो हमारा साउंड रेडी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, आज हमारा फुल सेटअप होगा, काफ़ी सारे मेंबर्स होंगे प्ले करने वाले। तो ये ड्रम किट है, ये बेस एम्प है, ये सारे मैंने बताया था, जैसे लाइनर्स, बेस, साइड फिलर्स, इनको साइड फिलर्स बोलते हैं, वो भी साइड फिल्स, गिटार एम्प। और अभी यहाँ पे पूरा सेटिंग होगा, पूरा माइकिंग वगैरह होगा, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, लगभग 1-1.5 घंटे जितने लग जाएगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी देन उसके बाद फिर हम लोग स्टेज में आएंगे, देन अपना साउंड चेक करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको सीधा दिखाऊंगा हमारा शो। आज हमारा कुछ फंक्शन हो रहा है यहाँ पे, आर्मी का फंक्शन है, अभी मुझे भी क्लियरली नहीं पता, बट है आर्मी का ही कुछ, और हम आर्मी एरिया में ही हैं। तो अभी उन्होंने हमको एक रूम प्रोवाइड कर रखा है, अभी हम वहाँ जाएंगे और अभी जाके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ तो अभी टाइम लगने वाला है साउंड चेक होने में, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी पहले थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा वहाँ बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग कैसे क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करेंगे, तो वो सारी बातें वहाँ पे हम करेंगे। देन जब 1 घंटे बाद, ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद हम लोग साउंड चेक के लिए वापस आएंगे यहाँ पे। अभी तो आप देख रहे होंगे सब कुछ बिखरा हुआ है, तो ये नॉइस बेसिकली वो बता रहा है, वो देख रहे हैं कि सारे चैनल्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, सारे PA, सारे मॉनिटर्स वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो उसका नॉइस चेक कर रहे हैं, जो उधर साउंड इंजीनियर थे वो देख रहे हैं। तो अभी ये चलता रहेगा, अभी हम लोग रेस्ट करते हैं। और हमारे अल्बर्ट भैया भी आ गए जस्ट अभी। और भैया कैसे हो आप, बताओ। बहुत बढ़िया, फिर से मिलके और अच्छा लग रहा है। बस हमसे मिलके सब अच्छे ही लगते हैं। अच्छा, तो अभी ना, अभी साउंड चेक के टाइम पे मैं इनके कुछ रूडमेंट्स आपको सुनाऊंगा, देखना कितने अच्छे फील्स प्ले करते हैं। हाँ करना, ठीक है, पक्का।
और अभी हम आ गए अपने रूम पे, सब लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे। कैसे हो भैया? ये हमारे तबला प्लेयर, बाकी इनको तो आप जानते हो, शुभजीत भाई हमारे। अभी एल्बर्ट भैया क्या कर रहे हैं ना, वो अभी उन्होंने खुद बोला है कि आगे पीएस बंद कर दो और सिर्फ इनियर्स चेक करा दो। तो उसका मतलब ये होता है कि जब वो अपना इनियर्स चेक कर रहे हैं ना, तो उनको ज़रा सा भी साउंड बाहर का सुनाई नहीं देगा। तो उससे उनका होगा ये कि उनका प्रॉपरली इनियर्स सेट हो जाएंगे कि हाँ भाई मेरे को इतना ही लेवल चाहिए अपना ड्रम्स का। और अभी हमारे गगन भैया अपना साउंड चेक कर रहे हैं, अभी बाहर पीएस में साउंड बन रहा है, देन उसके बाद वो भी अपना इनियर्स चेक करेंगे। ये देखो अभी बाहर पीएस में साउंड आ गया, बहुत हाई जा रहे हैं यार। गाइस अब दिखाता हूँ मैं, मतलब दिखाता हूँ, सुनाता हूँ कि ड्रम, तबला और ढोलक जब तीनों बजते हैं तो कैसा साउंड करता है। तो अभी गाइस जो मैंने आपको वो दिखाए थे ना, छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक से आपने देखे होंगे, उनको बोलते हैं इनियर्स, ठीक है। वो इनियर्स, उनको इनियर्स बोलते हैं। और बेसिकली उनका काम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको स्टेज पे दिखाए थे, सामने मॉनिटर्स लगे होते हैं जिनको वेजेस बोलते हैं, जो बड़े बड़े बॉक्स से लगे होते हैं स्पीकर्स। तो हम अपना इंस्ट्रूमेंट सुनने के लिए उन बॉक्स का यूज़ तो करते हैं, जिनको वेजेस बोलते हैं, उनको हम अपना अपना इंस्ट्रूमेंट सुनने के लिए यूज़ करते हैं। बट हम अभी उनको जस्ट रखते हैं स्टेज में, बट उन पे अपना साउंड ऑन नहीं करवाते। हम अपना साउंड ऑन करवाते उन रिसीवर्स पे, उस पे हमारा लगता है फोन्स, और वो हमारे जाता है इन ईयर्स पे, ठीक है। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि हमको अपना इंस्ट्रूमेंट सिर्फ हम अपने कान पे सुन सकते हैं। और जैसे कि मैं अपने इन ईयर्स पे, मेरे को अपना गिटार सुनना है, मेरे को थोड़ा सा ड्रम्स भी चाहिए, मेरे को थोड़ा सा कीबोर्ड भी चाहिए, मुझे थोड़ा सा साउंड ढोलक का भी चाहिए, मुझे थोड़ा सा साउंड फ्लूट का भी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा साउंड मेरे को वोकल्स का चाहिए। तो वो मैं सारी चीज़ें अपने इन ईयर्स पे सेट करवा सकता हूँ उस रिसीवर कह रहा हूँ, वो इन ईयर मॉनिटर्स के थ्रू, ठीक है। तो वो सारा काम जो है ना, वो सामने जो भैया दिख रहे हैं आपको, अगर दिख रहे हो शायद से वहाँ पे, शायद दिख नहीं रहे मेरे ख्याल से प्रॉपर तरीके से ना, चलो कोई नहीं, बाद में दिखाऊंगा। तो वो मैनेज करते हैं वो सारी चीज़ें हमारे इन ईयर्स पे, हम बताते हैं उनको हमें क्या क्या कितना साउंड चाहिए, तो उसका वो काम होता है। तो वो वेजेस को उसमें रखने का, स्टेज में रखने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो इनके हमारे इन ईयर्स काम करना बंद कर दें और हमको दिक्कत हो रही है शो प्ले करते हुए, तो फिर हमको वो उस इन ईयर्स, वो सारा साउंड उस क्या कहते हैं मॉनिटर्स पे खोल देते हैं और हम इन ईयर्स अपने कान से निकाल देते हैं। तो ये काम रहता है। और बेसिकली इन ईयर्स के और भी कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं कि अगर मान लो कई बार हमको क्या होता है कि हमको स्टेज छोटा मिलता है और स्टेज में बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं और सबके मॉनिटर्स जो वेजेस हैं स्टेज में, जो बड़े वेजेस रखे हुए हैं, वो बहुत पास हैं, और मेरे को चाहिए मेरा गिटार लाउड, बट मेरे साथ में ही ऑलमोस्ट मेरे करीब ही खड़ा है कीबोर्डिस्ट, उसको लग रहा है कि यार गिटार बहुत तेज़ बज रहा है, तो वो बोलेगा कि यार कम कर दो प्लीज़, है ना। अगर वो मेरा कम करा देगा तो मुझे दिक्कत होगी। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि ना, इन ईयर्स का बहुत बेनिफिट ही होता है कि मेरे को जितना मुझे चाहिए वो मेरे इन ईयर्स पर रहेगा, उनको जितना चाहिए वो उनके इन ईयर्स पर रहेगा, तो वो भसड़बाजी ना सब खत्म हो जाती है। और भी कई तरह के यूजेस होते हैं इन ईयर्स यूज़ करने के, जैसे कि आज के टाइम पर हम लोग, मैं आपको चलो स्टेज में चल के बताता हूँ और इन ईयर्स का क्या क्या यूज़ होता है। बेसिकली इसका और भी कई तरह के काम होते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग टॉक बैक का यूज़ करते हैं। तो टॉक बैक करने का मतलब क्या होता है, हमारे जैसे म्यूजिशियंस में हम सब के पास ना एक एक माइक होता है, और कई लोग क्या होता है कि एक बैंड में सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर होता है जो बैंड में कोऑर्डिनेट कर रहा होता है वाइल परफॉर्मिंग। तो उस तरीके से जैसे हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे शुभजीत भाई जो वो कीबोर्ड प्ले करते हैं, तो वो हमको क्यूज़ देते रहते हैं कि यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे मेरा सोलो पार्ट आएगा, यहाँ पे उनका सोलो पार्ट आएगा, यहाँ पे ड्रम के फिल्स आएंगे,
अच्छा यहाँ पे हमको इस वाले सॉन्ग के ये वाला प्लेलिस्ट प्ले करना पड़ेगा। तो ये सारी हम ना इन ईयर्स पे बात कर रहे होते हैं, बट ये जो माइक में बोलते हैं ना वो साउंड हमको इसके थ्रू कान पे सुनाई देता है और ये साउंड बाहर पीएस में नहीं जाता। तो इसका भी काफ़ी यूज़ होता है और कई बार और भी चीज़ें होती है, लेकिन अगर मैं बहुत टेक्निकल जाऊँगा ना तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके बारे में डिटेल में आपको एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी बेसिकली इतना समझो, ये मॉनिटर्स इनको बोलते हैं इन ईयर मॉनिटर्स, और इसको हम यूज़ करते हैं अपना इंस्ट्रूमेंट और बाकियों का इंस्ट्रूमेंट सुनने के लिए। सेम थिंग वो भी यही काम करता है, बट इसको अभी हम स्टेज में ऑफ रखवाते हैं, बस इसको तब ऑन करवाते हैं अगर तो ये काम करना बंद कर दे तो हम उनको ऑन कराते हैं। जस्ट इसका क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिव कह सकते हो आप, तो इसका इस तरह का यूज़ रहता है और काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं। लाइक एक इन ईयर्स अराउंड लाइक 50,000 60,000 75,000 1 लाख इतने तक के पड़ते हैं ये एक एक इन ईयर्स। करें स्टार्ट। थोड़ा सा कम और ये हमारे अल्बर्ट भैया स्टेज की तरफ जाते हुए, हमारी मैम, हमारी देवेंद्र मैम सेकंड मैनेजर, और ये मैं भी रेडी हो गया। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ। और ये हमारे अलीश भाई, भाई झकास, आज कहर ढा देंगे कहर। गाइस आज का शो अप ख़त्म हो गया, अब हम लोग निकलते हैं घर। बाकी अल्बर्ट भैया और सारे पार्किंग एरिया में हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया था चेंज करने में। बस अब निकलते हैं, आप सीधा अगले ब्लॉग में मिलते हैं, मैं थक गया भाई। चलो यार, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।